वार लीक्स की दुनिया में मशहूर विकीलीक्स ने इस बार बराक ओबामा के कुछ पर्सनल ईमेल्स लीक किए हैं, जिससे साबित होता है कि अमेरिकन चुनाव से पहले ही पावर डील्स शुरू हो चुकी थी। विकीलीक्स का नया धमाका, शर्मिंदा हो सकते हैं ओबामा। हिलेरी के बाद अब ओबामा की बारी। ईमेल के जिन्न से परेशान डेमोक्रेट्स। अमेरिका का इलेक्शन वाकई बेहद दिलचस्प हो चुका है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जिसके बाद गेम में ट्विस्ट एंड टर्न्स आता दिखने लगता है। ट्रंप की गंदी बातों और हिलेरी क्लिंटन के क्रिमिनल फाउंडेशन के बाद अब प्रेसिडेंट ओबामा के पर्सनल ईमेल्स का पहला स्लॉट विकीलीक्स ने रिलीज किया है। ये ईमेल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन मैनेजर जॉन पोडेस्टा और ओबामा के बीच के कन्वर्सेशंस की हैं, जो साल 2008 के हैं। जी हाँ, उसी वक्त जब ओबामा प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे। लेकिन इस दौरान की जो मेल्स विकीलीक्स ने रिलीज की हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो पावर ट्रांजिशन की पूरी बिसात 4 नवंबर को वोटिंग से पहले ही सज चुकी थी। विकीलीक्स ने गुरुवार को ही अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि विकीलीक्स ने गुप्त पतों से भेजे गए अमेरिकी राष्ट्रपति के ईमेल की पहली खेप का खुलासा कर दिया है। फिलहाल विकीलीक्स ने 7 मेल्स को पब्लिश किया है, जिनमें से एक ईमेल एड्रेस कमांडर इन चीफ @ameditech.net है। खास बात यह है कि कमांडर इन चीफ की आईडी से बना यह एड्रेस ओबामा के कमांडर इन चीफ बनने से पहले ही क्रिएट कर लिया गया था। ईमेल की एक कन्वर्सेशन 4 नवंबर 2008 की है, जिस दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव था। ओबामा की ट्रांजिशन टीम के को प्रेसिडेंट जॉन पोडेस्टा ने ओबामा से रिक्वेस्ट की है कि वो वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस पर 15 नवंबर को G20 मीटिंग का इनविटेशन एक्सेप्ट ना करें। इस ईमेल की लैंग्वेज में प्रेसिडेंट बुश की ओर से प्रेसिडेंट इलेक्ट को मैसेज पास किया गया है, वो भी तब जबकि अमेरिका में वोट भी कास्ट नहीं हुए थे। एक ईमेल में चुनाव से पहले ही ट्रांजिशन प्लान का पूरा जिक्र किया गया है। ओबामा एक ईमेल में बुश एडमिनिस्ट्रेशन और वित्त मंत्री हैंक पॉल्सन से ट्रांजिशन डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर ऐसी बातों पर सत्ता में आने के बाद ही चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, एक और मेल में तत्कालीन सिटी ग्रुप एग्जीक्यूटिव और बाद में प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बने माइकल फ्रोमैन कैबिनेट और स्टाफ की डाइवर्सिटी लिस्ट भी ओबामा से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर रिकमेंडेशंस की बात की गई है। इस पूरे ईमेल स्कैंडल से एक बात साफ होती है, जो भी खेल रहा हो, लेकिन ओबामा को 8 सालों पर शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ सकता है और उनके बेदाग करियर पर धब्बा भी लग सकता है। फिलहाल व्हाइट हाउस की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक बार फिर से जूलियन असांज के इस लीक और हैकिंग के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने रूस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जिस विकीलीक्स ने हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स के बाद अब ओबामा के निजी ईमेल्स को सार्वजनिक किया है, वो है क्या चीज और क्यों वो चुनावी मौसम में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरा बना हुआ है। दरअसल विकीलीक्स ऐसी वेबसाइट है जहां उन सूचनाओं का जिक्र होता है जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होती। साल 2006 में यह वेबसाइट पहली बार इंटरनेट पर दिखी और उसका दावा है कि उसके पास 10 लाख से भी ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। साल 2010 में अफगान वॉर डायरी के नाम से इस वेबसाइट ने 90,000 अमेरिकी सैन्य दस्तावेज जारी किए थे। लगातार वायर लीक्स के बाद अमेरिकी सरकार ने इसके संस्थापक जूलियन असांज को पकड़ने की पूरी कोशिश की। फिलहाल उन्होंने इक्वेडोर के दूतावास में शरण ली है, लेकिन आज भी गोपनीय दस्तावेजों की लीक का सिलसिला जारी है। इस वेबसाइट को चलाने के लिए एक 9 सदस्यों की समिति है और इसके दुनिया भर में 800 वॉलंटियर्स हैं जो इसे सूचनाएं पहुंचाते हैं।